बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। भारत सरकार द्वारा एनसीबीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा आईटीआई, जहां इलेक्ट्रीशियन फिटर में नामांकन लेने वो एक बार में पूरा फीस जमा करने पर 22% की भारी छूट, वहीं दो किश्तों में फीस जमा करने पर 11% की भारी छूट, साथ ही साथ नामांकन कराने पर साइकिल मुफ्त पाए। ऑफर सीमित समय के लिए लागू। आज ही नामांकन कराए पलक बुद्धा आईटीआई, पपौर मोड़ तरवाना रोड सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। मोबाइल नंबर है 9955982888 9934991587। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान जिले के हसनपुरा थाना क्षेत्र के डीबी पकड़ी गांव में एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। मायके वालों ने दबा गला करके और ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जब एमएच नगर थाना इलाके की पुलिस वहाँ पर पहुँची डीबी पकड़ी गाँव में, तो उसके शव को बरामद कर और पोस्टमार्टम के लिए सिवान में भेज दिया। बता दें कि 4 माह पहले ललिता देवी की शादी हुई थी और ललिता देवी ओरमा की रहने वाली हैं और इनकी शादी हसनपुरा थाना इलाके के डीबी पकड़ी गांव में आकाश से पंडित के साथ हुई थी, लेकिन 4 माह के बाद ही इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और आरोप लग रहा है, मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने गला दबाकर इनकी हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन बता दें कि इस घटना के बाद से जब बॉडी जो है ललिता देवी की जैसे ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंची, तो वहां पर ससुराल वाले जो पक्ष थे उनके परिवार के कुछ लोग थे और मायके वालों में कहा सुनी और उसके बाद से झड़प हो गई। देखते ही देखते वहाँ बवाल सा मच गया और बताया जा रहा है कि मायके वाले गुस्से में थे और आक्रोशित होकर के जो ससुराल पक्ष के परिवार के लोग हैं उनकी जमकर पिटाई कर डाली। तो फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समाजसेवी श्रीनिवास जाधव भी वहां पर पहुंचे हुए हैं जब घटना घटी है उसके बाद से, और पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया चल रही है। 4 माह शादी हुए थे ललिता देवी की। ललिता देवी सिवान जिले के महादेवा ओपी थाना इलाके के ओरमा गाँव की रहने वाली थी और इनकी शादी जो है सिवान जिले के हसनपुरा एमएच नगर थाना इलाके के डीबी पकड़ी गांव में आकाश पंडित के साथ हुई थी। 4 महीने के बाद से जो घटना घटी है, मायके वालों को सूचना मिली कि आपकी जो बेटी है उसकी मौत हो चुकी है, तो मायके वाले दौरे दौरे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेटी की शव पड़ी हुई है। पुलिस वालों को सूचना दी और जो एमएच नगर थाने की पुलिस है वहां पर पहुंची और उसके बाद से शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल जो टेलीफोनिक जो बात हुई है हसनपुरा थानाध्यक्ष पंकज कुमार से, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि शव को फिलहाल अभी कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक मायके वालों को द्वारा किसी तरह का कोई आवेदन नहीं मिला है। जैसे ही आवेदन मिलेगा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल एक बार फिर से हम आपको बता दें कि श्रीनिवास जाधव समाजसेवी भी पहुँचे हुए थे और वहाँ पर भगदड़ का जैसा माहौल हो गया, जो ससुराल के पक्ष थे, ससुराल वाले जो पक्ष के परिवार थे उनकी पिटाई का मामला भी सामने आया है। जो मायके वाले हैं उनके द्वारा पिटाई कर दी गई है, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि ससुराल वाले जो आकाश पंडित है या फिर उनके परिवार के लोग हैं अभी फरार हो चुके हैं और इसके बाद से वहाँ पर माहौल थोड़ी सी अभयावह दिखाई दे रही है। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। सिवान का न्यू भारत बजाज लेकर आया है LPG, CNG, डीजल, पेट्रोल, ऑटो बिल्कुल आसान किस्तों पर। त्योहार के मौके पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। आज ही चलें न्यू भारत बाजार, श्रीनगर मैरवा रोड सिवान। मोबाइल नंबर 8102724992। मेरे सिवान जिला के वासियों के अगर नागरिकों को मैं पूरे बिहार का एक या हिंदुओं का दीपावली और छठ और महिलाओं का बहुत बड़ा पर्व है, इसमें पानी भी सब लोग नहीं छूते हैं, महिलाओं का एक बहुत बड़ा उत्साह का चीज़ है ये। पूरे सहकारिता विभाग के तरफ से और
सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सिवान के तरफ से मैं बता देना चाहता हूँ कि यह हिंदू का बहुत महान पर्व है। पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में आजकल हो रहा है और धीरे 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 पूरे हर स्टेट में इस पर्व के हर लोग मानते बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। और मैं सभी को इस पर्व के अवसर पर मैं यह बता देना चाहता हूँ कि सब लोग उत्साह, काफ़ी उत्साह रहता है हर परिवार में, हर लोग में, ख़ास करके देखने के मिलता है महिलाओं में। और इसका हम लोग भी इस पर्व का बहुत भगवान से छठ माँ से डरते हैं और इस पर्व का अच्छे से निवारण करते हैं। और हम चाहेंगे कि सभी महिलाएं और सभी पुरुष, सभी नौजवान साथी, सब लोग इसका निवारण अच्छे से करें, अपने घर में धूमधाम से इस पर्व को मनाएं। और सिवान जिला और बिहार वासियों के सभी को मैं, मेरे तरफ से शुभकामना है और साथ साथ धन्यवाद। छठ पूजा के पावन अवसर पर सिवान के सभी वासियों को कोऑपरेटिव बैंक और सहकारिता विभाग की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अच्छा से त्यौहार मनाए, शांतिपूर्ण त्यौहार मने, यही शुभकामना होगी। लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा का शुभकामना हम पूरे जिले वासियों को देना चाहते हैं, साथ ही अपने क्षेत्रवासियों को भी देना चाहते हैं कि छठ माता हम सबों के विकास और समृद्धि के लिए हमेशा हम सबों पे ध्यान रखें, तत्पर रहें और हम सब आपस में मिलजुल करके रहें, शांति और सौहार्द के साथ रहें और जिले के विकास में अपना योगदान देने का काम। कास्था महापर्व छठ पूजा के मैं सम्मानित सिवान वासियों को सुख समृद्धि शांति आरोग्य प्राप्त हो, यही मेरी छठ माता से प्रार्थना रहेगा कि हमारे सिवान जिले के सम्मानित जनता शांति और सद्भाव आपस में बनाए रखें और छठ पूजा को अच्छे तरह से मनाएं, यही मेरा कामना है। और साथ साथ मैं अपने सम्मानित पार्षद गण को भी छठ पूजा को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि आप लोग आपस में मिलजुल के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को चलाने में कामयाब रहें, यही मेरा शुभकामना है। जय छठी माई। सिवान वासियों को हिंदुओं का महापर्व छठ की हम हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सभी लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारा के साथ इस त्यौहार को मनाएं और भगवान भास्कर से यही हमारी आराधना है, प्रार्थना है कि सभी के घरों में खुशहालियाँ आई, सभी लोग स्वस्थ रहें और आपसी भाईचारा के साथ इस छठ महापर्व को मनाएं। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट छाती मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618।